1520 में आज के दिन फ्रांस और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ। 1808 में आज के दिन नेपोलियन बोनापार्ट के भाई जोसेफ को स्पेन का राजा बनाया गया था। 1882 में आज के दिन न्यूयॉर्क के हेनरी डब्ल्यू सिले ने इलेक्ट्रिक आयरन का पेटेंट लिया। 1916 में आज के दिन अमेरिका के ईस्ट क्लीवलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 में आज के दिन फिनलैंड ने बोल्शेविक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1926 में आज के दिन मिस्र में एटली पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी। 1929 में आज के दिन प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक सुनील दत्त का जन्म हुआ। उनका असली नाम बलराज दत्त है। भारत सरकार ने वर्ष 1968 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया था। 1944 में आज के दिन नाजी सेना के फायरिंग दस्ते ने 96 कैदियों की हत्या की थी। 1966 में आज के दिन अमेरिका के मिसिसिपी विश्वविद्यालय में रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले अश्वेत मानवाधिकार कार्यकर्ता जेम्स मेरेडिथ पर एक व्यक्ति ने गोलियां चलाई थी। 1967 में आज के दिन इजराइल की सेना ने गाजा पर कब्जा किया। आज के दिन 1975 में दक्षिणी वियतनाम में अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन हुआ था। 1981 में आज के दिन बिहार की बागमती नदी में एक ट्रेन गिर गई, जिससे करीब 800 लोगों की मौत हो गई। 1994 में आज के दिन वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने एजबेस्टन में वार्विक शायर के खिलाफ मैच में प्रथम श्रेणी इतिहास की सर्वाधिक 501 रन की पारी खेली थी। 1997 में आज के दिन बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं थाईलैंड ने बिम्स्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया था। साल 2004 में आज के दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड विल्सन रीगन का निधन हुआ था।